चुरामेरे मज्ज पम्मण वेर मन सिखापदं समाधियामी चुरामेरे मज्ज पम्मण वेर मन सिखापदं समाधियामी। कंसेप्ट के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी बोलिए। हमारे समर्थ संघ का कंसेप्ट है कि जुड़िए जोड़िए, एक 1+10 करते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहीं जीतेंगे, 100 बार जुड़ेंगे 100 बार जीतेंगे, अभी तक जीते हैं फिर जीतेंगे। ये अब बात आ रही है कि जो है क्यों जुड़ना है, जुड़ने का उद्देश्य क्या है। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, जुड़ने का हमारा उद्देश्य है, हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार चले जा रहे हैं उन संविधान फिर उनको बचाना है, और वो बचेंगे तभी जब हमारे पास संख्या बल होगा। संख्या बल जब हमारे पास होगा तो हमारे पास वो अधिकार देने के लिए बहुत लोग आएंगे जो है, और हम अधिकार हमें मिल जाएंगे। और जुड़ने से मतलब जब तक हमारे पास कहीं पर भी इकट्ठे लोग नहीं होते हैं तब तक हमको बहुत तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जानवरों में भी जो है इकट्ठे होकर एक ग्रुप में रहते हैं तो उनको जो है सभी को जीत लेते हैं। एक एग्जाम्पल बंदरों का है, इस घटना को मैं सुना रहा हूँ। एक सर्विस लाइफ में मैं अपने एक कार सजा रहा था, हमसे आगे की कार को जो है एक पता लगा कि जो है कि रेड कार से एक बंदर का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया वहीं पर। उसके बाद वहां पर कम से कम 200 बंदर इकट्ठे हो गया थे, और 200 बंदर इकट्ठे होने के बाद वो जो कार वहां से निकल रही थी सब पर हमला बोल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो है उनके बुद्धि आई कि जो है कि नहीं, रेड कार ने जो है कुचला है हमारे साथी को, इसलिए उस दर से रेड कार पर जितने फिर हमला शुरू हो गया। व्हाइट कार छूट जा रही थी, रेड कार पर हमला शुरू हो गया। तो ये था जो है यूनिटी करता करते हैं। इसी तरह से मधुमक्खियां भी जो है वो भी कहीं यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं करती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लेकिन उनके अंदर यूनिटी यूनाइट रहने की जो है बुद्धि होती है, और जहां कहीं हमला बोलना होता वहां हमला बोल देती है। तो वैसे शेर अपने में भी जो है बहुत ताकतवर होता है, सभी लोग डरते हैं, लेकिन शेर के कभी कभी भैंसों का झुंड भी शेर पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें झुंड में रहना है। झुंड में रहने का एक और चीज देखा है कि मैंने मेरे कॉलोनी परिसर में 5 लोग आरएसएस के केवल झंडा गाड़ के रहते थे, लेकिन उनकी इतनी दहशत रहती थी कि आरएसएस वाले हैं, इनसे पंगा नहीं लेना है। और यहाँ उनके सपोर्ट में ये है कि 5 लोग जरूर बैठते थे, लेकिन उनके सपोर्ट में बहुत लोग आ जाते थे, और खासकर जो है ओबीसी के लोग जो है उनके सपोर्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और वो लोग अपना जो दहशत बना के रखते हैं। और दहशत अभी तो देश स्तर पर भी जो है उनका पूरा वर्चस्व है, क्योंकि वो संघ में है। और इसके अलावा जो है जुड़ने के लिए ये फिजिकल मीटिंग में हमें जाने के लिए, संघ में शामिल होने के लिए कोई हमें फॉर्म नहीं भरना है, कोई चंदा नहीं जमाना करना है, कोई पर्ची नहीं कटती है, लेकिन मीटिंग में जाने के लिए हम अपने साथ अपना खाना लेके जाते हैं, और खाना को वहां पर मिक्स कर दिया जाता है, और उसको संघ के सारे लोग मिल बांट के खा लेते हैं, और जो व्हीकल में खर्चा होता है उसको हम आपस में शेयर कर लेते हैं, जिससे एक्सपेंडिचर का किसी पर लोड ना संघ पर आता है ना इंडिविजुअल पर, किसी पर उनका सभी पर कॉमन आता है, इसलिए वहां पैसे का खर्च भी नहीं है। और ये सब तो हमें समर्थ संघ में जुड़ते रहना है, और जो है अपने संविधान को बचाने के लिए खाली जुड़ के ही डेली मीटिंग में नहीं बैठना है, लेकिन हाँ 10 सदस्यों को कम से कम जुड़ते रहना है, तभी जो है उसके जो है परिणाम सामने आएंगे। अदरवाइज हम डेली कंसेप्ट सुनते रहेंगे और 10 लोगों को हम बता नहीं पाएंगे, और 10 लोगों को जो जुड़ जाते हैं उनको भी प्रेरित करना है कि जैसे हम और भी सदस्यों को जोड़े, विचारों को सुने, इस तरह से जो है हम समर्थन को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। मैं डॉक्टर सुभाष वनकर, गुजरात बड़ौदा से, नेटिव में डायनासोर पार्क है वहाँ मेरा नेटिव है, वहाँ हूँ। और मैं काफी 1 महीने से समर्थ संघ का कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ,
और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अभियान है अपने लोगों को दुनिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकशाही तांत्रिक लोकशाही को हमें बचाना है, और हमें बचाने के लिए जो मेजोरिटी लोगों पर जो अन्याय हुआ है उसका सामना अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। और इसीलिए किसी के सामने वाले के मन में ये द्विधा ना हो कि ये तो पैसा इकट्ठे करने के लिए आए हैं, ये तो नेता बनने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, ये हमारे में मतलब ये हमारा विश्वास है कि हम सामने वालों को भी अपनी सोच विचार और कार्य प्रणाली से और हमारे खुद के एक्शन से कन्विंस करें कि हम जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, जुड़ेंगे तभी बच पाएंगे, जुड़ेंगे तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। वरना जो थोड़े से लोग हैं, जो भेदवादी लोग हैं, वो लोग हमको बांटते हैं, हमारा मतलब शिक्षण है, हमारा आरोग्य है, संपत्ति है, हमारा सब कुछ वो लूट लेते हैं, मतलब ठगी से लूट लेते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है हमें जुड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। कहीं भी हमारी ताकत होगी तो हमारा संख्या बल होगा। अभी मतलब जहां जहां भी हमारे पुराने राजा रजवाड़े थे उनके पास जितना बड़ा सैन्य था, जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, इसके आधार पर वो अपना वर्चस्व जमाए हुए है। और अभी लोकशाही में हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने और महात्मा बुद्ध जी ने और उसके पहले समण लोगों ने अपना अस्तित्व बनाने के लिए सभी को मदद की है, सभी को जोड़ा है, सभी का ख्याल रखा है, मिल बांट कर खाया है, और इसी का ही हमें पुनरावर्तन करके अपनी ताकत इकट्ठी करनी है। और हमें अपनी ताकत पर हम पे कोई अन्याय ना करे, हमें किसी को अन्याय करने के लिए नहीं जोड़ रहे, मगर हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमें हमारा शोषण ना हो, हमारी पीढ़ी को पूरा अधिकार मिले, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए हमें सभी जुड़ना है, जीतना है और जुड़े रहना है। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है काफी इंटेलिजेंट है, मगर उनके पास डिग्रियां होने के बावजूद भी वो जुड़ पाने में दिक्कत फील कर रही है। तो उनको सही रास्ते पे, सही समझ पे, सही सोच विचार के, सही ज्ञान पे ले आना है। और इसके लिए हमें हर दिन, हर वक्त, हर काम इसी का करना है कि हम को जब बुद्ध के समय में इतने भिक्षु थे, इतने समान संघ थे, इतने नियम थे, तो हमें और उनके पास तो उसी टाइम न नेटवर्क था, न मोबाइल था, न वाहन थे, न घोड़े थे, फिर भी दुनिया भर में वो दम फैलाया, उनकी महत्ता बढ़ी और उनका मतलब सभी को जीने का अधिकार मिला, अहिंसा का प्रचार हुआ और सबसे अच्छा जीवन पृथ्वी पर बचाना है तो हमें जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं।
इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।